ट्रांसफर सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हम ख्वाजा सराओं को इंपावर करें, इसलिए फिर हमने सोचा कि ख्वाजा सराओं के लिए ऐसा क्या किया जाए कि ख्वाजा सराओं के लिए एक स्टेप लिया जाए। तो हमारी टीम ने क्या किया कि हमने स्टिचिंग शॉप बनाई। पहले काफ़ी जगह पर शॉप के लिए रिसर्च की, लेकिन हमें मार्केट्स में शॉप ट्रांसजेंडर्स के लिए अवेलेबल नहीं थी। फिर हमें सदर जिना कॉम्प्लेक्स में शॉप मिली, तो हमने वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के ट्रायल लिए जो अच्छा कपड़ा स्टिच करते थे, फिर हमने वो टेलर्स रखे। अब माशाल्लाह हमारी शॉप, हमें उम्मीद है इन फ्यूचर बहुत अच्छा चलेगी, और हम चाह रहे हैं कि इस शॉप को हम बुटीक में कन्वर्ट कर दें, और इसके लिए हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा नाम रिमल है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और अभी हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के तवस्सुत से ये टेलर शॉप खोली है, तो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मेरी इल्तिजा है कि और भी हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आएं और आकर वो मेहनत करें और अपने आप को मतलब इम्प्रूव करें और लोगों का नज़रिया बदलें। बनाने का मकसद ये भी है कि फीमेल्स जो मेल्स टेलर्स के पास जाती हैं तो थोड़ा हिचकिचाती हैं। मैं यही समझती हूँ कि अगर वो ख्वाजसरों के पास आएंगी तो वो हिचकिचाएंगी नहीं। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है सोसाइटी में फीमेल्स को, और हमने फीमेल्स टेलर्स की ही शॉप बनाई है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, लोग आ रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो ये असल हमने स्टार्ट करा था हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को बड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती थी कि जाके टेलर के पास अपना नाप देना, टेलर भी मतलब मजाक उड़ाना, इस तरह की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती थी। तो हमने ये सोचा कि उनको एक कंफर्ट जोन मिले, कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आके मतलब अपने नाप दें, कपड़े सिलवाएं, इजी रहें। अब ये कि हमने ट्रांस के लिए काम स्टार्ट करा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास औरतें भी आती हैं और वो मर्दों से बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल यहाँ पर फील करती हैं। मामू के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ आप लोग भी हमें मतलब हमें ये नहीं सोचें कि हम कोई तीसरी जेंडर थर्ड जेंडर है, नहीं, हम इंसान हैं, इंसान को इंसान की तरह ही समझें। और जहाँ आप लोगों के लिए, चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो भीख मांग रहे होते हैं, आप उनके हाथ में पैसे रख देते हैं, उनसे दुआ करवा लेते हैं, तो इसी तरह हमें पैसे, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हुनर चाहिए, हमें काम चाहिए। मैं यही ख्वाजा सराओं को मैसेज दूंगी कि ख्वाजा सराओं को जिनकी डिग्रियां अनकम्प्लीट हैं वो एजुकेशन हासिल करें और ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे आएं, ताकि हम उनको स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, ताकि हम उनको कोर्सेज करवाएं, वो सोसाइटी में जाके इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। आई एम काशिफ शहरी फ्रॉम कराची। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Marty TV channel for more interesting videos.